दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भी हम ऑनलाइन जीएसटी टैक्स पेमेंट का भुगतान किस प्रकार करते हैं और कैसे पता चलेगा हमारी बुक्स को देख के भी हमें कितना टैक्स है जो जीएसटी का डिपॉजिट करवाने वाला है, कितना हमें सेंट्रल टैक्स डिपॉजिट करवाना है, कितना स्टेट टैक्स डिपॉजिट करवाना है, या फिर हमारा कोई आईजीएसटी अगर टैक्स बनता है तो कितना बनता है, और टैक्स के साथ साथ अगर हमारी कोई इंटरेस्ट की या फिर पेनल्टी की कोई लाइबिलिटीज बनती है तो उसको भी हम उसी चालान में किस तरीके से डिपॉजिट करवाते हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो अगर आप एक नए अकाउंटेंट हो, अपना टैक्सेशन में और टैली सॉफ्टवेयर में नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो का कोई भी स्टेप स्किप किए बगैर एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए टैली सॉफ्टवेयर और बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आर्सेनल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जीएसटी के पोर्टल पर जाने से पहले, जीएसटी टैक्स डिपॉजिट कराने से पहले, हम एक बार हमारी बुक्स में इस बात को वेरीफाई जरूर करेंगे भी हमारी जो लास्ट मंथ या जिस मंथ का हम टैक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं उस मंथ का कितनी टैक्स की लायबिलिटी हमारे पर बन रही है। तो दोस्तों हम टैक्स की दो तरीके से हम इसको वेरीफाई करेंगे, एक तो हम बैलेंस शीट में भी जाके इसको वेरीफाई करेंगे और दूसरा जीएसटीआर 3B की रिटर्न में भी जाके इसको जरूर वेरीफाई करेंगे भी कितना टैक्स हमारा डिपॉजिट हमें करवाना है। तो दोस्तों हम टैली सॉफ्टवेयर में अगर हम सबसे पहले जाएंगे बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट पर जाने के बाद हम Alt F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस करंट लायबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो ग्रुप नजर आएगा, इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों जैसे भी आप इंटर प्रेस करोगे तो सबसे पहले आपको उस मंथ का पीरियड जरूर चेंज कर लेना है जिस मंथ का आपको टैक्स डिपॉजिट करवाना है। तो जैसे अब मेरे को मार्च मंथ का टैक्स डिपॉजिट करवाना है तो मेरे को Alt F2 के साथ मैं यहाँ से पीरियड चेंज करूँगा 1/3/2021 से लेकर 31/3/2021 तक का, और आप यहाँ पर देखो जो मेरी टैक्स की जो लायबिलिटीज बन रही है वो 2174.40 रुपये की बन रही है, यानी कि एक साइड का यानी कि CGST टैक्स और SGST टैक्स। तो टोटल टैक्स की अगर लायबिलिटीज हम देखें तो टोटल इनका 4,348.80 रुपये की लायबिलिटीज बन रही है, और इसको हम GSTR 3B भी जरूर वेरीफाई करेंगे। तो 3B पे जाने के लिए हम शॉर्टकट यहाँ से GoTo का भी यूज़ कर सकते हैं, GST रिपोर्ट पर हम जाएंगे और उसके बाद में GSTR 3B को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें पीरियड जरूर चेक कर लेना है दोस्तों, पीरियड आपको विशेषकर ध्यान में रखना है, 21 करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले हमारे पास ऊपर का जो डाटा वो सारा सेल का है और बाद में परचेज का, यानी कि ये हमारा आउटपुट टैक्स है और ये इनपुट टैक्स है। तो इसमें भी अगर माइनस करके देखें यानी कि टोटल टैक्स आउटपुट हमारा 14,940 का है और इनपुट है जो हमारा 10,591.20 रुपये का है। तो इसमें से अगर इनपुट में से आउटपुट अगर माइनस करते हैं तो सेम हमारा जो बैलेंस शीट में हमें शो हो रहा था उतना टैक्स ही यहाँ पर ही बनेगा, यानी कि हम दोनों जगह से इसको वेरीफाई कर लिया है। तो अब हम चलते हैं जीएसटी की पोर्टल पर। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम में ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करनी है gst.gov.in, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको दोस्तों को लॉगिन करने की जरूरत नहीं है अगर आप ओनली टैक्स को ही डिपॉजिट करवाना है। तो आप इसके लिए सर्विस पर जाएंगे, आपको यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सर्विस पर जाना है और सर्विस पे जाने के बाद ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का, और पेमेंट पे जाने के बाद आपको क्रिएट चलान। तो जैसे हम क्रिएट चलान करेंगे तो सबसे पहले हमें उस कंपनी का जीएसटी नंबर टाइप करना है जिस कंपनी का हम जीएसटी टैक्स है जो डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर टाइप करता हूँ और उसके बाद में आपको कैप्चा कोड भी देना पड़ेगा और इसके बाद में प्रोसेस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे वी रीजन फॉर चलान। तो इसके अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न या फिर एनी अदर पेमेंट्स। तो दोस्तों इसमें अगर आप एनी अदर पेमेंट पे क्लिक करोगे तो जिस टैक्स के लिए आपकी लायबिलिटीज बन रही है, अगर आपकी जो रिटर्न है जो क्वार्टरली जाती है लेकिन पेमेंट आपको मंथली करनी पड़ रही है, या फिर आपको टैक्स भी आपको मंथली जमा करवाना है और आपकी जो रिटर्न है GSTR1 वो भी मंथली ही जाती है, GSTR3 भी मंथली जाती है, तो आप एनी अदर पेमेंट में भी सिलेक्ट कर सकते हो, आगे जाके ऑटोमेटिकली सेट ऑफ कर देगा। उसके बाद हम प्रोसेस पर क्लिक करेंगे
जैसे हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो उस कंपनी का जो बायोडाटा सारा आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट में ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सीजीएसटी टैक्स, आईजीएसटी टैक्स, और उसके बाद में अगर आपका कोई सेस बनता है तो सेस भी डिपॉजिट करवाएंगे, या फिर आपका स्टेट टैक्स यानी कि राजस्थान का टैक्स। तो उसके बाद में ऊपर भी आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप टैक्स डिपॉजिट करवा रहे हो या फिर इंटरेस्ट है या पेनल्टी है, कोई फीस है या कोई अदर है। तो अभी आप देख रहे हो दोस्तों, हमने जो आज हम टैक्स डिपॉजिट करवाने हैं, जो हमारी ड्यू डेट होती है वो 20 तारीख तक होती है, और आज हम जो डिपॉजिट करवा रहे हैं, अगर हम एक दिन लेट हैं, दो दिन लेट हैं या तीन दिन लेट हैं, तो जितने दिन हम लेट हैं उतने दिनों की हम पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा 18% के हिसाब से पर डे का। तो अब हम बात करते हैं टैक्स की। तो जो हमारा टैक्स बन रहा है वो 2174.40 रुपये का है। तो दोस्तों हम इसको राउंड फिगर में 2175 रुपये भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, कम नहीं करवाना है आपको, ज़्यादा ही करवाना है। तो हम यहाँ पर सीजीएसटी में भी 2175 हम लिखेंगे और एसजीएसटी में भी 2175। तो दोस्तों ये तो था मूल अमाउंट, यानी कि इतना टैक्स आपका बनता है। उसके बाद में अगर आपने लेट पेमेंट अगर आप डिपॉजिट करवा रहे हो तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी आपको पर डे के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं। अब मान लीजिए आपका जो टैक्स है आप चार दिन लेट डिपॉजिट करवा रहे हो, तो आपको जैसे 2175 रुपये आपकी मेन अमाउंट है, इसको हम करेंगे इंटू 18%। तो जैसे 18% करेंगे तो ये 39, ये पूरे साल का डाटा आ गया। हमें पर डे का निकालना था, हम इसको डिवाइड करेंगे 365 से, और ये आ गया वन डेज का। और अब आपको कितने दिन लेट है, मान लीजिए आप तीन दिन लेट है, तो इसको इंटू 3 करेंगे। तो जैसे 3 करेंगे तो इसका मतलब आपका 3 रुपये और 22 पैसे का जो इंटरेस्ट आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा एक साइड का, यानी कि सीजीएसटी 3 रुपये 21 22 पैसे और एसजीएसटी भी 3 रुपये 22 पैसे। तो इसकी अमाउंट भी अब आपको यहाँ पे 3 रुपये 22 पैसे, इसको यहाँ पर पॉइंट में नहीं लेगा, या तो आपका 3 रुपये रहेगा या फिर आपका 4 रुपये रहेगा। तो आप कोशिश यही करें आप ऊपर का ही अमाउंट है जो डिपॉजिट करवाएं, जैसे 4 का करा दिया। तो इस तरीके से अब आपकी जो टोटल टैक्स बनेगा, टोटल जैन की चलान आपका जो जमा होगा वो 4358 रुपये होगा विद इंटरेस्ट अमाउंट के साथ में। तो उसके बाद में आपको पेमेंट मोड पे जाना है। पेमेंट मोड पे जाने के बाद आपको, अगर आप ऑनलाइन टैक्स डिपॉजिट करवा रहे हो तो आपको ई पेमेंट पे जाना है। अगर आप मैन्युअली बैंक के थ्रू अगर डिपॉजिट कराओगे चलान की कॉपी से, तो आपको एनईएफटी या फिर आरटीजीएस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर हम ऑनलाइन जमा करा रहे हैं तो ई पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे, और ई पेमेंट पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा जनरेट चलान का, और हम जनरेट चलान पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में आपसे एक जीएसटी नंबर सेम वही एक बार को रिपीट आपको करना है, री एंटर करना है। तो हम वापिस करेंगे, तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया, और वापस इसको प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सिलेक्ट मोड फॉर ई पेमेंट। तो हम नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे, और हम नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे जितने भी बैंक हैं ये सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब मान लीजिए जो भी आप नेट बैंकिंग यूज करते हो तो उस बैंक को आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई पर आपको टिक करना है, और उसके बाद में मेक पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्टली हमारी जो बैंक की वेबसाइट है वहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, और पासवर्ड देने के बाद जैसे इसको हम लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद एक बार हमारे से ओटीपी पूछेगा, और ओटीपी पूछने के बाद यह सारा जो हमारा चलान है जो जनरेट हो जाएगा, यानी कि अब जो हमारा जो पैसा है इससे हमारा पैसा जो निकल जाएगा, और ये जीएसटी के खाते में सीजीएसटी और एसजीएसटी के अलग अलग खातों में डिपॉजिट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही हम इसकी चलान की एंट्री हो जाएगी, चलान हमारे बैंक से पैसा कट जाएगा, तो उसके बाद में हमें टैली सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो एंट्री करने के लिए सेम वही प्रोसेस, हम वाउचर पे जाएंगे और हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट जिस तारीख हम चलान जमा कराने वो तारीख आ जाएगी, और उसके बाद में जैसे कि आप सीजीएसटी टैक्स आपने जमा कराया तो आप सीजीएसटी टैक्स को डेबिट करोगे 2174। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो टैक्स की जो अमाउंट है उसको उतने रुपए से ही डेबिट करना है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट की जो आपने अमाउंट जोड़ी थी 4 रुपए वो यहाँ पर ऐड नहीं करना है 2174। और इसी तरीके से हम यहाँ पर सीजीएसटी टैक्स एसजीएसटी टैक्स को भी डेबिट करेंगे 2174 रुपए से। तो देख रहे हैं अब यहाँ पर जो हमारी टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पर साथ के साथ खत्म हो रही है, हमने 2175 रुपए जमा करवाया था सॉरी, और उसके बाद में एसजीएसटी भी हमारा 2175 रुपए था,
तो अब टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पे आपकी जो 60 पैसे है वो आपने एक्सेस जमा करवा दिया। एक्सेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आपने इंटरेस्ट भी डिपॉजिट करवाया है, तो आपको यहाँ पे एक इंटरेस्ट है जो अलग से लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट ऑन GST लेट का। और ये दोस्तों आपको इसमें रखना है कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि आपने लेट डिपॉजिट कराया, तो इसको आप ज़्यादा कोशिश करें भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में न लेने के बजाय इसको आप कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। और जैसे कि हमने टोटल हमारा 8 रुपये का जो इंटरेस्ट लगा था, 4-4 रुपये का, और अब हम इसको बैंक को क्रेडिट करेंगे जिस बैंक से हमने पैसा मतलब ऑनलाइन जमा करवाया है। तो हमारा 3 लेजर है जो डेबिट होंगे, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो हमारा अब क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी जो हमारी एंट्री है टैली सॉफ्टवेयर में भी पास करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम आगे भी इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।